हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है, गेट, पीजीजी, सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए, ECEE-IN, जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूँ। सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है, जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है, एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपके वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेज मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है, जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता। आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स, और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं, बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूअसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है, उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेस प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं, कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, वाईफाई और सेलुलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप जिसके बारे में मैंने आपको बताया, डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली तीन फॉर्म में अवेलेबल है जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये तीन वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी टैबलेट कोर्स या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले, यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस तीन फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा, बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगा, एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे और स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस, बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेस भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटन एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडीए सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है, ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए, इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं, सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया, इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए, जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए, एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको ये पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उमदा बुक्स है इंडिया द्वारा, मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन दो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ईसीडब्ल्यू आईएन में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है,
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आयन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास दो वॉल्यूम अवेलेबल है, एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन, जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है, उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को आगे मिलेगा। बढ़ते हैं। तो कल मैं आपसे बात कर रहा था जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है थर्मल वेलोसिटी। कल जहां पे हम लोग के साथ चीजें क्रैश हो गई थी वो है थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्मल वेलोसिटी क्या है, कैसे है और इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। थर्मल मतलब होता है हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर में हमारे पास होता क्या है सर, एनर्जी। और ये एनर्जी इनफ होता है किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए। तो यहां से हम एनर्जी निकालते हैं और ये एनर्जी जो है ये इनफ होता है, इनफ होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं किसी मेटल के बारे में, है ना। मेटल के एटम को आयोनाइज करने के लिए, आयोनाइज करने के लिए, जब मेटल का एटम आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, मेटल के एटम का आयोनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ईडीसी से और भी ज्यादा प्यार हो गया। ठीक है, तो जब मेटल का एटम आयोनाइज हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा सर, हमको इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। और वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ करंट में। क्योंकि करंट के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ती है सर, करंट के लिए हमको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स की। और ये हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देता है। इसका मतलब है टेम्परेचर से हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है। एक डायग्राम हम बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एटम्स है, और एटम है ये उसका इनर शेल है और ये सबसे उसका आउटर मोस्ट शेल है। सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पीले कलर का है, समझ लेते हैं। और मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पे रिवॉल्व कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए ब्लू कलर के से कुछ इस तरीके से है। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि किसी मेटल में मैं मान रहा हूं ऐसा, और ये अंदर में दो इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोगों ने जब इसको एनर्जी दी तो हमको ये पता है कि जैसे जैसे किसी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। मतलब टेम्परेचर भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा है, तो टेम्परेचर भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाएगा सर, वो एल्डर इलेक्ट्रॉन। एल्डर इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है, सबसे घर में सबसे बड़ा बेटा, वो कहां रहता है सर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे पहले इस टेम्परेचर रूपी एनर्जी को पाके अपने एटम को छोड़ के बाहर चला जाएगा। बाहर का मतलब है इंटरएटमिक स्पेस में चला जाएगा, वो मटेरियल से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऐसा रिवॉल्व कर रहा था, ऐसा ऐसा ये घूम रहा था। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सपोज। तो अचानक जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी मिली और ये जो है ये इस ऑर्बिट से बाहर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आके इधर बैठ गया। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स आपने यहां पे देखा था, कहां पे सर, जो इलेक्ट्रॉन्स आपने यहां पे देखा था वो इलेक्ट्रॉन अभी यहां है। और इस जगह पे जहां पे पहले इलेक्ट्रॉन था यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी गेन किया और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर हो गया। तो कोई भी एटम ऐसा सट से बाहर नहीं होता, इट इज टेकिंग द मोमेंटम, उसी गति से चलता है और ये धीरे से उस एटम से बाहर हो जाता है। तो जब ये एटम से बाहर हो गया उस समय हम लोग इसके काइनेटिक एनर्जी को स्टडी किए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को स्टडी किए तो यहां पे हमको मिला कि इसके पास गजब की काइनेटिक एनर्जी थी। तो इसका मतलब है इसके पास एक गजब की वेलोसिटी थी।
जो कि टेम्परेचर से इसको मिली थी। तो ये जो वेलोसिटी इसको टेम्परेचर से मिली थी, इसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। और इस वेलोसिटी को लगभग, अगर हम लोग यहां पे वेलोसिटी की बात करें, तो ये वेलोसिटी लगभग एक आइसोलेटेड एटम में, ये लगभग मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10^4 मीटर पर सेकेंड होता है। इतने हाई स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एटम से बाहर निकलता है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का किसी एटम से बाहर आना। लेकिन अगर हम लोग किसी एक सॉलिड की बात करें, तो कल सर हम लोग ने ये देखा कि सॉलिड के अंदर जो है वो एक ही एटम नहीं होता सर, काफी सारे एटम्स होते हैं। एक सेमीकंडक्टर की बात करें, 29 को मेरा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का एग्जाम है, मुझे किस तरह टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट का। देखिए, ये वो मंच नहीं है जहां पे हम लोग उसको डिस्कस करें। मैं यूट्यूब में इसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा स्वराज, है ना, क्योंकि अगर इसके बारे में गाइड करेगा तो स्मार्ट कोर्स नहीं रहेगा, ये खुला मंच हो जाएगा। दिस इज नॉट एन ओपन मंच टू डिस्कस एनीथिंग। सो राइट नाउ आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर द स्मार्ट कोर्स फॉर द स्मार्ट स्टूडेंट्स इन ए स्मार्ट वे। तो यहां पे टाइम की लिमिट है, क्योंकि अगला सब्जेक्ट फिर चालू करना है, तो टाइम की लिमिट होने की वजह से यहां पे हम लोग वगैरह वगैरह बातचीत नहीं करते, नॉर्मल बातचीत करते हैं, मोटिवेशन वाला हार्डली 1-2 सेकंड, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो स्वराज आपको मैं गाइड करूंगा अलग से, अगर आपको जरूरत है तो। ठीक है, वैसे भी मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास मान लीजिए एक मेटल है या फिर सेमीकंडक्टर है, इसमें हमारे पास काफी सारे एटम्स है, एक ही नहीं है, हजारों एटम्स है हर एक यूनिट वॉल्यूम में। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का डायमेंशन है, मैंने इसको बना दिया। और मुझे ये पता है कि अगर मैं यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू, मैं इसको मानता हूं कि ये मेटल है, क्योंकि अगर मैं सेमीकंडक्टर मानूंगा तो फिर से मुझे इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों में डिस्कस करना पड़ेगा। सिर्फ डिस्कशन को इजी करने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये कंडक्टर है, डिस्कशन को इजी करने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये कंडक्टर है। और अगर ये कंडक्टर है तो यहां पे हमारे पास एटम्स है, और मान लीजिए ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, और यहां पे एक एटम है। उसके कारण अगर मैं यहां पे ये भी मान लूं कि ये जो है ये 300 केल्विन में है या फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो उस कंडीशन में इस एटम से बाहर आए इलेक्ट्रॉन्स भी है जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे, अचानक उसको 300 केल्विन का टेम्परेचर मिला, और ये थर्मल टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एटम से बाहर आ गए। तो यहां पे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो रेंडमली कहीं भी प्लेस्ड है। तो मैंने इसमें और कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लगाया है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, ना और कोई कुछ। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं लगाया है तो डेफिनेटली ये जो चार्ज कैरियर्स है, ये चार्ज कैरियर्स इस टेम्परेचर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिला है, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। हाँ सर, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि इनको कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। सो रेंडमली दे आर मूविंग इन एनी डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स की फितरत होती है। तो यहां पे ये जो रखा हुआ है ये कौन है सर, ये जो है ये आयोन्स है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो ये पॉजिटिव बन गए, ये पॉजिटिव बन गए, ये पॉजिटिव बन गए, ये पॉजिटिव बन गए। इस इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन करके मूव कर रहे हैं, तो इनका कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नहीं है, ये रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो अगर हम लोग थर्मल वेलोसिटी की बात करें, तो थर्मल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विच इज गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई वेलोसिटी गेन कर ले तो उसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये जो है ये सभी थर्मल वेलोसिटी है। मान लीजिए इसकी थर्मल वेलोसिटी U1 है, इसकी U2 है, इसकी U3 है, और इसकी U4 है, इसकी आपके पास U5 है, इसकी आपके पास U6 है, ये U7 है, और ये U8 है। मतलब यहां पे 8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम लोग यहां पे इनिशियल या फिर थर्मल वेलोसिटी की बात करें, तो थर्मल वेलोसिटी अगर हम लोग इसकी बात करें, इट इज द वेलोसिटी दैट इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ये वेलोसिटी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स ने गेन कर लिया है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, इन ए सॉलिड सॉलिड। सो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सॉलिड, इन ए सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर इज थर्मल वेलोसिटी। ये क्या कहलाता है, ये थर्मल वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। और अगर हम लोग थर्मल वेलोसिटी यू की बात करें तो एक सॉलिड में हम लोग उसकी एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो इट इज ऑल्सो द एवरेज वेलोसिटी इन ए सॉलिड, इट इज द एवरेज एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स इन ए सॉलिड काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो कि सॉलिड में अवेलेबल है, तो हम लोग उसकी एवरेज वेलोसिटी को ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग उसके एवरेज वेलोसिटी को ले लेते हैं तो हम लोग उसको लिखते हैं यू इज इक्वल टू, दिस इज यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डैश 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 यू एन प्लस यू एन डिवाइडेड बाय एन, है ना। इसको हम लोग किससे डिवाइड कर दे क्योंकि हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने यहां पे एन से डिवाइड कर दिया। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी। सो ये जो है ये आपका थर्मल वेलोसिटी है और अगर हम लोग इसको बोले कि यही जो है किसी इलेक्ट्रॉन का किसी सॉलिड के अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। ये जो है इनिशियल वेलोसिटी भी कह, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा एक बात, क्या बात सर, मुझे यहां पे दिख रहा है कि क्योंकि काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, यस सर। अगर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, यस सर। अगर रेंडमली रिमूव कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, जिसमें से काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो यूएन जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। मतलब मेरा क्या बोलने का है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तरीके से काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऐसा हो सकता है, किसकी एक इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का ऐसा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा हो सकता है। तो अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के डायरेक्शन को एक वेक्टर क्वांटिटी यू वन से रिप्रेजेंट किया है तो ये माइनस ऑफ यू वन हो जाएगा, अगर ये जो है ये यू टू से रिप्रेजेंट है तो ये माइनस ऑफ यू टू हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपके पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी यू को फाइंड आउट करे तो यू वन माइनस यू टू हो जाएगा प्लस यहां पे यू थ्री माइनस यू फोर हो जाएगा, दिस इज द पॉसिबिलिटी डेट वी आर सीइंग। और ये जो है ये यू एन तक हो जाएगा डिवाइडेड बाय वी कैन राइट दिस इज एन। सो इन दैट केस आपके पास इनिशियल थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, मतलब यू की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ओवरऑल जो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी होता है किसी भी सॉलिड के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन का तो होता ही है लेकिन किसी सॉलिड के अंदर अगर आप इनिशियल थर्मल वेलोसिटी की बात करेंगे तो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो जीरो होती है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग करंट की भी बात करें कि अगर हम लोग यहां पे करंट को फाइंड आउट करना चाहें कि अगर चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है तो करंट भी तो फ्लो हो रहा है, यस चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है तो करंट भी फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो करंट है ये जिस डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स मूव कर रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जो करंट की वैल्यू है जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज कैरियर्स मूव कर रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट होता है। तो यहां पे क्योंकि चार्ज कैरियर्स का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगर हम लोग यहां पे नेट करंट की बात करें कि ओवरऑल टोटल करंट यहां पे कितना आएगा तो करंट की वैल्यू भी जीरो आएगी, ना इनिशियल वेलोसिटी होगा ना नेट करंट यहां पे होगा, तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास
जो भी नेचुरली फॉर्म में मटेरियल अवेलेबल होता है, आपके पास जो भी नेचुरल फॉर्म में मटेरियल अवेलेबल होता है, उन सारे मटेरियल्स में फॉर एग्जाम्पल सर, मेरे घर में एक कॉपर का पीस रखा है और टेम्परेचर जो है वो मेरे घर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 300 केल्विन में है। तो उस टेम्परेचर में, वो जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, तो करंट, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे होंगे किसी एक वेलोसिटी की वजह से, एनर्जी की वजह से कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर रहा होगा, तो वो मूव भी कर रहे होंगे। लेकिन मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज करंट, लेकिन यहां पे नेट करंट की वैल्यू जो है वो जीरो आ रहा है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए कोई एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो नेट करंट जो उनसे फाइंड आउट किया जाएगा, वो नेट करंट की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। आई थिंक दैट आई एम क्लियर राइट नाउ, मैं यहां पर क्लियर हूं मुझे ऐसा लगता है। अब इसके बाद एक और वेलोसिटी आया, थर्मल वेलोसिटी के बाद आपके पास एक और वेलोसिटी आया जिंदगी में, जिसको हम लोग क्या नाम रखे हैं, उसका नाम हम लोग रखे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जानने से पहले ड्रिफ्टिंग के बारे में जानते हैं। ड्रिफ्टिंग इज द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू सम अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, है ना। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ड्रिफ्ट की वेलोसिटी के बारे में जानने से पहले, जैसे थर्मल वेलोसिटी के बारे में जानने से पहले हम लोग थर्मल या फिर टेम्परेचर के बारे में जाना, वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जानने से पहले हम लोग यहां पे ड्रिफ्टिंग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ड्रिफ्टिंग इज व्हाट? ड्रिफ्टिंग इज द मूवमेंट। ड्रिफ्टिंग इज व्हाट? ड्रिफ्टिंग इज द मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ एनी या तो आप पार्टिकल बोल ले, या तो आप पार्टिकल बोल ले, या तो ऑब्जेक्ट बोल ले। क्या बोलना चाहते हैं? या तो आप पार्टिकल बोल ले, या तो ऑब्जेक्ट बोल ले। ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है। ड्यू टू प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन और या फिर रिपल्शन फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स की वजह से। अगर किसी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो, मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा ड्रिफ्ट हो रहा है चार्ज पार्टिकल। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस समय आएगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस समय आएगा अगर हम लोग यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इन ए सॉलिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स के बारे में हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स, अगर ये फोर्स किसी भी तरीके से लगा हुआ है तो आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो ड्रिफ्टिंग कर सकता है। सभी को क्लियर कट समझ में आ रहा है ना? जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है द द द वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स डेट इज आइदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये होल भी हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो वेलोसिटी आपका चार्ज पार्टिकल गेन करता है
उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया इस तरीके से, ऐसा करके ऐसा, और मैं इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन लगा दूं, ठीक है, तो यहां पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ये पॉजिटिव या फिर ये नेगेटिव, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन देगा। कारण क्या है कि ये वोल्टेज के लगाने से ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो यहां पे आपके पास इन दोनों के बीच में ये आपका पॉजिटिव साइड हो गया और ये आपका नेगेटिव साइड हो गया, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो गया। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो मैंने कब मना किया? ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेटअप हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन दे रहा है। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक फोर्स लगाता है किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे। और वो जो फोर्स का डायरेक्शन है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में रहता है। ठीक है, क्या पूछ रहे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? मतलब 11 12th बिना पढ़े आया है क्या? ये जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं जानते तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, डीवी बाई डी एक्स, है ना। किसी एक डिस्टेंस में अगर आप वोल्टेज लगा देते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इस कारण से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगाता है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स है ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप बड़ा सिंपल सा है। अगर हम लोग फोर्स की बात करें, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये है आपके पास F इज इक्वल टू माइनस क्यू इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर आप चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल जाता है फोर्स, और ये जो है ये फोर्स का डायरेक्शन है। ये क्या है? ये फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इसके पहले का सिनेरियो अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 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 ऐसा पूरा भरा हुआ था, और यहां पे काफी सारे आयोन्स भी थे, और वो आयोन्स जो है वो कुछ इस तरीके से थे। ये एक आयोन हो गया, ये एक आयोन हो गया, यहां पर एक आयोन हो गया, और कुछ यहां पर एक आयोन हो गया। इसके पहले, जस्ट पहले, आपके पास ये सीन था कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 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 ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये टेम्परेचर की वजह से था। तो अभी भी टेम्परेचर लगा हुआ है, अभी भी टेम्परेचर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू जो है वो 300 केल्विन है। लेकिन उस टेम्परेचर की वजह से अब इन चार्ज कैरियर्स का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो पहले ही आ गया। तो अभी भी इसमें टेम्परेचर लगा हुआ है। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? ये आपके पास 300 केल्विन है। इस टेम्परेचर के ऊपर हम लोगों ने एक और सोर्स ऑफ एनर्जी लगा दिया, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज। बस एक सेकेंड रुकेंगे, जरा सा हेडेक कर रहा है। आई विल कंटिन्यू विद इन ए सेकेंड।
चलिए ठीक है। वो क्या है, बोर्ड और मोबाइल को लगातार देखने की वजह से अचानक से आंखों के सामने कुछ धुंधला सा हो गया था, है ना, क्योंकि मॉर्निंग से क्लास चल रही है और मोबाइल में सारी बातें चलती है। ठीक है, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, जरा सा थोड़ा सा यहां पे कंसंट्रेट कर लीजिए। तो मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और फोर्स इलेक्ट्रॉन्स भी उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन को अब एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन मिल गया है मूव करने का। ठीक है, आई एम फाइन राइट नाउ। वो क्या है, ये बोर्ड को बहुत सामने से देखना पड़ता है ना, और मोबाइल की स्क्रीन को भी बहुत सामने से देखना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए आंखों के सामने धुंधलापन हो गया था और हेडेक कर रहा था। ठीक है, तो टी ब्रेक में टी पी लेंगे, हेडेक चला जाएगा, बस थोड़ा सा 2 मिनट का आंख बंद करके रेस्ट ले लिया 2 सेकंड के लिए, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा था और अचानक उस पर एक फोर्स लगा कि भाई तू जिस डायरेक्शन में जा रहा था, तू जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में तुझे नहीं जाना है, तुझे किस डायरेक्शन में जाना है, जिस डायरेक्शन में तेरे ऊपर फोर्स लग रहा उस डायरेक्शन में तुझे जाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन बोला कि ठीक है भाई, तू जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा, मैं जा रहा था इधर, अब मैं इस तरफ जाना चालू कर देता हूं क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, मैं जा रहा था इधर तो अब मैं इधर ही जाना चालू कर दे रहा हूं, ये इधर जा रहा था, ये बोला कि भाई मैं इधर चले जाता हूं क्योंकि इसी डायरेक्शन फोर्स लगा है, ध्यान से देखना, ये नीचे की ओर जा रहा है तो ये इधर जाना चालू कर दिया, ये इस तरफ जा रहा है तो इसको भी इधर जाना चाहिए, ये इस तरफ जा रहा है तो इसको इधर जाना चाहिए, सभी के लिए बनाऊंगा, ये इस तरफ जा रहा है चलो ठीक जा रहा है, ये उल्टा जा रहा है तो इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो अचानक चेंज हो गया और यही जो है वो ड्रिफ्टिंग कहलाता है। तो यहां पे एक थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के भी देख लेते हैं भाई साहब। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ड्यू टू थर्मल एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जब उसमें फोर्स लगा किस डायरेक्शन में, उसमें फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि यहां पे इस डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लग गया, तो यहां पे इस डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लग गया, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है। तो जैसे ही उस पर फोर्स लगा ये बड़ी तेजी से किसी एक डायरेक्शन में चल रहा था, अचानक वो जो है वो ड्रिफ्ट करने लग गया, ये ड्रिफ्ट करने लग गया, तो इसका मूवमेंट जो है वो चेंज हो गया अचानक से। तो ये ऐसा जा रहा था अचानक ये इधर चला गया, फिर ये इधर चला गया, फिर इधर चला गया, इधर चला गया, ये ऐसा करके चला गया। इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन अपना चेंज किया, डेट इज नथिंग बट द ड्रिफ्टिंग, ये अपना पोजीशन जो यहां से यहां चेंज कर दिया ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, यही क्या कहलाता है सर, यही तो ड्रिफ्टिंग कहलाता है। मैं अपने बाइक को भी करता हूं ऐसी ड्रिफ्टिंग, मजा आ जाता है सर। काफी सारी लड़कियां भी आजकल बाइक चलाती है, मैंने रील में देखा है ना, तो उसमें होता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लिया कुछ भी, मैं ये स्क्रीन को सामने देखने की वजह से ऐसा हो गया अचानक से। मॉर्निंग 6 बजे से हम लोग इसी स्क्रीन को देखते रहते हैं ना, उसी वजह से अचानक जो है किसी चीज को बड़े ध्यान से देखो तो वो अचानक धुंधला दिखने लगता है ना, वैसे ही हुआ था मेरे साथ जस्ट अभी 2 सेकंड पहले। ठीक है, तो ये जो है ये ड्रिफ्टिंग है ऐसा। तो मैंने उसी ड्रिफ्टिंग को आपको शो किया, यहां पे जितने भी एटम्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब जो है वो ड्रिफ्टिंग फील करेंगे। तो ये पॉजिटिव आयोन्स है, बीच बीच में हमारे पास पॉजिटिव आयोन्स भी है,
ये जो पॉजिटिव आयन्स है ये मूवमेंट नहीं करते, पॉजिटिव आयन्स जो है वो मूवमेंट नहीं करते, वो अपनी जगह पे भी रहते हैं। तो यहां पे जो मोबाइल कैरियर्स है, मोबाइल कैरियर्स कौन होता है जो मूव कर सकता है? सर लैंडलाइन फोन जो है वो मोबाइल नहीं कर मूव नहीं करता, तो वो मोबाइल नहीं है। तो यहां पे ये जो है ये सभी लैंडलाइन फोन्स है, ये मूव नहीं करते, ये जहां बैठ गए वहां पे आलसी की तरह बैठ जाते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक सभी को कुर्बान कर दो, क्योंकि वो सभी आप लोगों से पैसा कमा रहे हैं, है ना। मैं भी इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब नहीं देखता, ये मेरी जो वाइफ है, मेरी बिटिया है, ये लोग देखते हैं, तो उनसे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, उनके पास इरफान टाइम है एंजॉय करने के लिए, हम तो मोटिवेटेड है अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने गेट एकेडमी के लिए, तो हम लोग ये सब चीजें नहीं देखते। सर मुझे तो प्यार है ईडीसी से, सर मुझे तो प्यार है गेट 22 से, सर मैं सुबह उठता हूँ मेरे को गेट 22 दिखता है, सर मैं सोता हूँ तो मेरे को गेट 22 दिखता है, सर दिन भर जो जो मैं सोचता हूँ उसमें गेट 22 है, सर मैं खाना नहीं खा पाता गेट 22 की वजह से, सर मैं सो नहीं पाता गेट 20। तुझे प्यार हो गया, किससे प्यार हो गया सर? गेट 22 से, है ना। तो ये प्यार हमको चाहिए, ये प्यार हमको चाहिए आप सभी से। सो मैंने बोला कि ये ड्रिफ्टिंग है, तो मुझे प्यार है अपने सब्जेक्ट से, मुझे प्यार है गेट एकेडमी से, मुझे प्यार है अपने काम से, और मुझे भी प्यार हो गया है। किससे प्यार हो गया सर? आपकी जिंदगी में कौन है? भाई मेरी जिंदगी में गेट एकेडमी है, मेरी जिंदगी में मेरा करियर है, मेरी जिंदगी में मेरे मेरे आने वाले फ्यूचर्स में जो भी चीजें हैं वो सब है, उनसे मुझे प्यार है, किसी से पर्सनल ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, खाते अवर टाइम गेट के बारे में ही सोचता रहता हूं बस। अगर दिन भर रात भर अगर आप किसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपने मूवी में भी देखा होगा कि अगर तेरे को नींद नहीं आ रही है, तेरे को भूख नहीं लग रहा है, तेरे को दिन में चैन नहीं है, रात को सो नहीं पाता, तो उस कंडीशन में तेरे को प्यार हो गया है। अब किससे प्यार हो गया ये डिपेंड करता है। अगर आपकी जिंदगी में अभी भी कोई लड़का या फिर लड़की है और आपकी शादी नहीं हुई है और आप फिर भी उसके बारे में सोच रहे हैं, तो समझ लो कि आपको उनसे प्यार हो गया है, और आपको हो ना हो कल ना ही तो परसों या तो वो मिल जाएगा या तो वो डिच करके चला जाएगा। तो जिससे प्यार होता है उसी को पाने की शक्ति हमारे में होती है। तो अगर आपको गेट से प्यार है, गेट के रैंक से प्यार है, सर मेरे को एक नंबर से प्यार है, वो जो है वो AI1 है, तो मतलब समझ जाओ कि वो आप उसको पाने के लिए दिन रात सोचते होगे। ठीक है, अगर उसको पाने के लिए आप दिन रात सोचते हैं, तो डेफिनेटली आप समझ जाओ कि उसको हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। उसको हासिल करने के लिए अगर आप कुछ भी कर सकते हो, तो सारी कायनात, आपने पिक्चर देखी होगी, सारी कायनात जो है वो आपको उसको दिलाने के लिए कोशिश करने लग जाएगा। तो वहां पे आपका एफर्ट और सभी का एफर्ट मिलके वो चीज जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करते रहना, कभी भी टेंशन मत लेना। लाइफ में जिस चीज से भी प्यार है, उसके लिए उस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव एफर्ट की जरूरत है, वो मिल जाता है, सभी को मिला है, हमको भी मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा सर? मिलेगा ना सर, यस। तो ये डायग्राम ध्यान से देख रहे हैं, ये ड्रिफ्टिंग हो रहा है, तो सभी जो है उस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग गए। तो अब इसकी वेलोसिटी को निकालते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो मैंने बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला? U+AT वाला फार्मूला। यहां पे यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ए जो है वो आपका एक्सिलरेशन है, और टी जो है वो टाइम है जब तक आपका चार्ज पार्टिकल उस एक्सेलरेशन को फील किया। ठीक है, जब तक आपका चार्ज पार्टिकल उस एक्सेलरेशन को फील किया, तो ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है। तो अगर सर एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वेलोसिटी भी तो U1 होना चाहिए, यस। उसका एक्सेलरेशन भी A1 होना चाहिए, और उसका टाइम भी 1 होना चाहिए। ओके, आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूंगा। ठीक है, ठीक है ऋतुराज,
वन और मी सच में मेड फॉर ईच अदर है, बस यही मैं सुनना चाह रहा था, आप एक दूसरे के लिए बने हैं। कौन? ए आई आर, वन और मैं, ठीक है? तो मैं कौन भी हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो कड़ी मेहनत करे देगा तपस्या की तरह। तपस्या कौन है? तपस्या मतलब त्याग, उसी का तपस्या। सर केल्विन की यूनिट में डिग्री का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, नहीं करते हैं केल्विन में डिग्री यूज नहीं करते, लेकिन मिलमैन हलकियास का एक बुक है, मिलमैन एंड हलकियास का एक इंटीग्रेटेड सर्किट का बुक है, जिसका राइटर स्वयं साक्षात मिलमैन देव है, उन्होंने केल्विन में डिग्री का यूज किया है। और मैंने अपनी इनिशियल पढ़ाई टेक्स्ट बुक से की है, मेरे टाइम में कोई यूट्यूब नहीं था, मेरे समय में यूट्यूब नहीं था, और था भी था उसका अप्रोच इंडिया में नहीं था, उस समय नेट बहुत महंगा हुआ करता था, तो हम यूट्यूब देखते ही नहीं थे, उस समय वीडियो जो है वो मोबाइल में शेयर ही नहीं होता था, या तो टेक्स्ट मैसेज होता था या तो कॉलिंग होता था। तो हम जो पढ़े हैं वो बुक से पढ़े हैं, टेक्स्ट बुक से। तो मेरी लाइफ का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पहला टेक्स्ट बुक जो है वो मिलमैन है। मिलमैन के हर एक लाइन में एक गजब का नशा है, गजब का कंसेप्ट है, और उसको जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल चले जाती है। तो उसी में उस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो आपको केल्विन को डिग्री बोलने की आदत हो जाएगी, क्योंकि वो डिग्री केल्विन लिखता है, ठीक है? तो डिग्री लगाने की नीड नहीं है। अब मैं आगे बात करूं कि ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के हैं, और ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, ये मेरा सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, सेवेंथ एट्थ नाइन्थ और ये दस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दसों इलेक्ट्रॉन के बारे में एक साथ हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक सॉलिड में हम लोग सभी इलेक्ट्रॉन के लिए एक साथ बात करते हैं, ठीक है? तो अब मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा था, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, और कहीं पे आयोन्स पड़े हुए हैं कुछ ऐसे, ये एक आयोन्स है और मान लीजिए ये एक आयोन्स है, इस तरीके से यहां पे भी एक आयोन्स है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हावी हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाने की बजाय थोड़ा सा इस तरफ चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस आयोन से टकरा गया। ये आयोन कैसा है? ये आयोन पॉजिटिव है। ये आयोन कैसा है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, तो दान करने के बाद तो ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी हट गई। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस आयोन से टकरा गया जब ये ड्रिफ्ट कर रहा था, तो ये टकराने के बाद इस आयोन के कब्जे में आ गया। सर ये आयोन से टकराना क्या होता है? सर ये तो बड़ा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये इससे टकराएगा कैसे? देखिए, आपका इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में था, ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड वेलोसिटी से चल रहा था। आपका इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में था, उस ऑर्बिट में ये कैसे, क्यों और कैसे बना हुआ था, इसके बारे में सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई वो इसलिए बना हुआ था क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। मौत का कुआं देखें, हाँ सर देखें, मौत का कुआं में जब आपका जो व्यक्ति है मौत के कुएं में एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, तभी वो एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो कर पाता है। अगर वो स्पीड को बढ़ा दे या फिर घटा दे, तो उसका पाथ जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर चला जाता है या फिर ऊपर की ओर चला जाता है। तो उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ये एक फिक्स्ड वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ये इस ऑर्बिट को भी छोड़ देगा। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंजेस, देन डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट द ऑर्बिट एंड इट इज लोकेटेड समवेयर एनी पोजिशन इन द इंटर एटोमिक स्पेस। तो इन दिस ऑर्बिट दिस इलेक्ट्रॉन इज हैविंग ए फिक्स्ड वेलोसिटी। व्हाट आई वांट टू से, इन दिस ऑर्बिट दिस इलेक्ट्रॉन इज हैविंग ए फिक्स्ड वेलोसिटी, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वापिस से, किसी इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ चुका है, जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, वापिस से इस एटम के अंदर समाना है। कई लोग ये भी सोच सकते हैं, सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है, ध्यान से सुनते रहेंगे, दो मिनट की बात है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए ना। अरे अट्रैक्ट तो करते ही है, अट्रैक्ट तो करते ही है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेगा तो क्या होगा,
क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ी हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इसके पास पहुंचने के बाद ये तब तक उस फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा जब तक इसकी एनर्जी जो है इस ऑर्बिट की एनर्जी से मैच नहीं करता है। अगर इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी से मैच करेगा तो ये इस ऑर्बिट में आ जाएगा, नहीं तो अगर ये मैच नहीं करेगा तो ये फिर से वापस कहीं और चला जाएगा। इसका मतलब है, इसी को हम कोलिजन बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड किया और इसके बाद ये वापस किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट चालू कर दिया, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट चालू किया। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है। किस डायरेक्शन में मूवमेंट चालू किया? जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापिस से इस डायरेक्शन में मूवमेंट चालू कर दिया, इस डायरेक्शन में मूवमेंट चालू किया गया, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से इस आयोन से टकरा गया। तो एक बार ये इलेक्ट्रॉन इस आयोन से टकराया, पहले वाले आयोन से, और एक बार ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले आयोन से टकराया। तो इन दोनों आयोन्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री होके मूव कर रहा था। तो इसका मतलब है ये जो पाथ है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी आयोन से टकराया नहीं, इस पाथ को हम लोग फ्री पाथ के नाम से जानते हैं, है ना। इस पाथ को, यहां से यहां तक, इस रास्ते को हम लोग फ्री पाथ के नाम से जानते हैं, है ना। और जितना टाइम इस इलेक्ट्रॉन्स को इस फ्री पाथ को कवर करने के लिए लगा, उस टाइम को हम लोग मीन, उस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते हैं। देखिए, किसी भी रास्ता को कवर करने के लिए कोई भी पार्टिकल या कोई भी गाड़ी कुछ ना कुछ टाइम तो लेता है, तभी तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कंसेप्ट आया है। तो ये जो है, ये फ्री पाथ है। इस फ्री पाथ को कवर करने के लिए जो टाइम आपके इलेक्ट्रॉन्स को रखता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन। इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और इस रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ बोलते हैं। और इस रिलैक्सेशन टाइम में आपका इलेक्ट्रॉन किस फोर्स से, किस फोर्स के अंडर में है? वो उसी फोर्स के अंडर में है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उसको लगा रहा है। डेट इज एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू इन टू ई। उसी फोर्स के अंडर में ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो पाथ होता है उसको हम लोग फ्री पाथ बोलते हैं। और उस पाथ को तय करने में, उस पाथ को कवर करने के लिए आपका इलेक्ट्रॉन्स जो टाइम लेता है, डेट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए फ्री पाथ, लेकिन यहां पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या नाम रखा जाता है सर? मीन फ्री पाथ। तो यहां पे हम लोग मीन फ्री पाथ भी बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि अगर हम लोग फ्री पाथ की बात करें, दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ, पहले क्या है उसको देख लेते हैं। दिस इज द पाथ, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूं? इस कॉन्टेक्स्ट में, पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशन, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टू सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, सक्सेसिव मतलब समझते हैं ना? हाँ सर समझते हैं, एक के बाद एक, टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव टकराव के बीच का पाथ, है ना, कॉलिजन, ये जो है ये फ्री पाथ कहलाता है। और दूसरा शब्द क्या है सर? दूसरा टर्मिनोलॉजी जो है वो है रिलैक्सेशन। क्या है सर? रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दिस इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये पाथ है दो सक्सेसिव कोलिजन का, और ये टाइम है, ये टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है। तो ये जो है ये नॉर्मल डेफिनेशन है सक्सेसिव कोलिजन। तो इन दोनों को यूज करके हम लोग यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। सो कॉलिजन लिख लिया होंगे सभी लोग और समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पे a जो है वो एक्सीलरेशन है, a क्या है? ये एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का मतलब है कि किसी फोर्स के अंडर में आपका चार्ज पार्टिकल में जो एक्सीलरेशन लगता है उसकी वैल्यू। तो हमको इस एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम लोगों ने कोई फोर्स लगाया तो ये इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या है? ये आपका मास है।
मास ऑफ वाट, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स का मास है, जैसे इसका मास है, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास एफ डिवाइडेड बाय एम, यही ए होगा, और एफ क्या है, ये माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम है ना, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो माइनस क्यू इंटू ई है। इसी कंटेक्स्ट में अगर हम लोग चले तो हमको ये पता है कि अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फाइंड वैल्यू फाइंड आउट करें किसी एक इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस, इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास है, और ये जो एक्सिलरेशन है ये कितने देर के लिए लगा हुआ है सर, ये उसी समय तक लगेगा ना जब तक वो टकराएगा नहीं, जैसे ही टकरा जाएगा जो एक्सटर्नल एक्सिलरेशन है वो उस पर थोड़ी काम करेगा, यस, तो ये टाउ टाइम तक ही लगा हुआ होता है एक्सिलरेशन का इफेक्ट। सर मैं बड़ी तेजी से गाड़ी चला के जा रहा था, बेहतरीन एक्सिलेटर दिया था, अचानक एक खंभा आया, मैं टकरा गया, दिमाग भन्न हो गया, और मेरा एक्सिलेटर उतना ही था, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि मैंने टकरा गया था ऐसे, थोड़ी देर के लिए मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, मैं किसी और डायरेक्शन में घूम गया, और अब मेरा एक्सिलेटर जो है वो काम कर रहा था लेकिन उस स्पीड से मैं नहीं जा पा रहा था जितना किसी से टकराने से पहले जा रहा था। इसका मतलब है कितने देर के लिए ये एक्सिलेटर काम करता है, जब तक आपका कोई डिवाइस, आपका कोई डिवाइस बोलो, जो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी चार्ज कैरियर से ना टकराए, तो ओवरऑल फार्मूला आपका ये हो गया, और ये टाइम जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम पे कोलाइड करता है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन 5 मिनट बाद कोलाइड करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन 10 मिनट बाद कोलाइड करेगा, तो सभी का रिलैक्सेशन टाइम जो है वो अलग अलग होता है। तो ओवरऑल मैं यहां पे फर्स्ट के लिए लिखा, उसी प्रकार सेकंड के लिए लिखूं तो ये हो गया ऐसा, उसका इनिशियल माइनस यहां पे क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास और टाइम टी टू हो जाएगा। उसी प्रकार वीडी थ्री के लिए लिखूं तो ये हो जाएगा यू थ्री, यहां पे यू टू, यू थ्री माइनस यहां पे क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डिवाइडेड बाय मास, और ये टाइम जो है वो थ्री हो गया, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन का टाइम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करें तो हमारे पास आ जाएगा VDN, VDN इज इक्वल टू यहां पे UN माइनस Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास इंटू टाउ N हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर हम लोग एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, एवरेज उसके साथ क्या आ रहा है ड्रिफ्ट, और उसके साथ क्या आ रहा है वेलोसिटी, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दिस इज VD1 प्लस VD2 प्लस VD3, ये सबको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय एन कर लो, तो आपको मिल जाएगा एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब साफ साफ ये है कि हमको U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN प्लस UN डिवाइडेड बाय एन करना पड़ेगा, यस सर, और उसके बाद माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम है, और यहां पे टाउ एन प्लस टाउ टू प्लस डैश 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 टाउ थ्री टाउ एन तक जाएगा ना, डिवाइडेड बाय यहां पे प्लस डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ये क्या है, ये आपका थर्मल वेलोसिटी जिसकी वैल्यू होती है पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं B0 माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम, और ये टाउ हो गया, टाउ इज नथिंग बट द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सभी का एडिशन डिवाइडेड बाय एन, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया VD, जो उसकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये आपके पास माइनस क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ हो गया, दिस इज द फॉर्मूला, ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अरे यहां तक तो लिख लो, इफेक्टिव मास के बारे में बताऊंगा ना।
आप ज्यादा जानते होंगे, दिस इज वेरी मच क्लियर टू मी, लेकिन मैं भी तो जानता हूं ना, मैं अगर टीचर हूं तो मैं भी जानता हूं ना कि यहां पे इफेक्टिव मास लिखना है, लेकिन इफेक्टिव मास को इंट्रोड्यूस तो करने जो। मृत्युंजय सर प्लीज वेट एंड वॉच। सक्सेसिव कोलिजन मीन्स दिस इज फर्स्ट कोलिजन, दिस इज सेकेंड कोलिजन। सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक। ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन पहली बार यहां कोलाइड हुआ, फिर दूसरी बार यहां कोलाइड हुआ, तो इन दोनों के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन किसी और चीज से कोलाइड नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने मूवमेंट के दौरान कई बार टकराता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, और नेक्स्ट सब्जेक्ट से अभी आपको क्या करना है, एक ही मैसेज किए पीड़ा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट होगा? सर मेरी गर्लफ्रेंड अभी ये है, नेक्स्ट गर्लफ्रेंड कौन होगी ये बताइए ना। अरे अभी जो है उसको तो मैनेज कर लो, है ना, नीचे से सेकंड लास्ट लाइन सर। ठीक है, तो टू सक्सेसिव कोलिजन मतलब एक के बाद एक जो कई बार कोलाइड करता है, नवराज थैंक यू। ठीक है, जब कई बार कोलाइड करता है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक बार कोलाइड करने के बाद दूसरी बार जब कोलाइड किया, उन दोनों के बीच का जो रास्ता है डेट इज नोन एज वो आपका सक्सेसिव कोलिजन कहलाता है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। देख लीजिए स्लाइड्स, यहां से थर्मल वेलोसिटी चालू हुआ था, टेम्परेचर दी, एनर्जी मिली, इनफ मेटल एटम आयोनाइजेशन। तो जो एनर्जी थी वो काफी थी मेटल एटम को आयोनाइज करने के लिए, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, वो एक काइनेटिक एनर्जी गेन किया, तो वहां जो वेलोसिटी थी उसकी हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये मैं आपको समझाऊं कि आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, अब ये सब चीजें जो है ये तो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं ना यार, मतलब ईडीसी को इज्जत दो यार। दिस इज ऑल थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड इन योर 11th 12th, उसके पहले भी पढ़े होंगे सर, 9th से पढ़ रहा हूं मैं, अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। व्हाट शुड आई डू देन? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इसके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नाम तुम्हारा। तो ऐसा तो मत करो भाई, पता नहीं कितनी बार आप पढ़े होंगे जिंदगी में, अगर फिर भी नहीं आता तो नो वन कुड हेल्प यू। क्रैश कोर्स पढ़ने आए हो, स्मार्ट तरीके से बिहेव करो। जहां ईडीसी की जरूरत है वहां पे सर एफ इज इक्वल टू एम ए बताइए ना, मतलब मैं सर को दीवार में फोड़ू कि दीवार मेरे ऊपर खुद गिर जाए, बता रहा। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम ए बताओ, तो
तो मैं अब क्या ही करूं, अब मैं या तो फिजिक्स ही पढ़ा लूं या ईडीसी पढ़ा लूं, है ना, या तो मैं फिजिक्स ही पढ़ा लूं 11th 12th का या ईडीसी पढ़ा लूं। सर ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आए ये बताओ ना। नहीं भैया, फिर मैं नीट और पीईटी की तैयारी करवाने लगता हूं, अगर यही सब बताना है गेट की तैयारी फिर नहीं कर पाओगे, फिर आप एलिजिबल नहीं हो भाई, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन बोल दिया जाएगा। सो अगर ऐसा है तो एक डिग्री मिलती है, वो ये है कि नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि आपको ये एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आपने एक पीईटी का एग्जाम या आईआईटी का एग्जाम क्रैक करके ही आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, और ये सब फॉर्मूले वहीं के हैं, और उसमें भी अगर आप एक्सप्लेनेशन आज की डेट में गेट करने के बाद जब मतलब बीटेक करने के बाद जब गेट का एग्जामिनेशन में जा रहे हैं उस समय आप मुझसे ये सब पूछ रहे हैं, तो मतलब दीवार मेरे ऊपर गिर जाए और मैं यहीं धस जाऊं, प्लीज दिस वॉल फॉल ऑन मी एंड मैं यही धस जाऊं, फिर जमीन के अंदर घुस जाऊं, है ना, कि अगर मैं ये सब बताने लग गया तो मैं ईडीसी नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग, कुछ एप्टीट्यूड आपके पास होने चाहिए, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग इसका नाम है। अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो इस टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिजिक्स कमजोर है तो ईडीसी कमजोर है, ईडीसी क्या पूरा इंजीनियरिंग कमजोर है, कोई भी ब्रांच से लो आपको समझ में नहीं आएगी चीजें, कोई भी ब्रांच से हो आपको समझ में नहीं आएगी चीजें, ये लिख लो। अगर आपका फिजिक्स कमजोर है तो यू आर नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो एन एफ टी ई का डिग्री मिलता है, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एन एफ टी ई, ठीक है। जो बेसिक चीजें वो तो मत पूछो, आइडिया तो मैं पूरा दे रहा हूं, अब ये सब चीज का डेरिवेशन हालांकि 2 सेकंड लगेगा बताने में, लेकिन आपके में वो काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे हम लोग आते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास है, दैट इज m, m इज नथिंग बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो m जो है वो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो मास होता है ये एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन का मास होता है। किसका मास होता है, ये एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन का मास होता है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, दैट इज 9.1 इंटू 10^-31 केजी, ये एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन का मास होता है। आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन का मास है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि वैक्यूम में पड़ा हुआ है, जिसके आसपास ना कोई फोर्स है ना कोई और चार्ज है, ना तो कोई उससे मिलने वाला है ना कोई उससे जुलने वाला है, इसका मतलब है कि वो एक क्वारंटाइन इलेक्ट्रॉन है। एक क्वारंटाइन इलेक्ट्रॉन के मास को जब आप मेजर करोगे तो 9.1 इंटू 10^-31 केजी आएगा, लेकिन जिस मास की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि दिस इज नथिंग बट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो अगर एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन है, काफी सारे आयोन्स है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, रिसर्च करने मत लग जाइएगा, टाइम वेस्ट होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा बात और बात को पकड़िएगा, अगर बात को पकड़ेंगे तो रात में जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से विजुलाइज्ड होगा सारा चीज, जब अकेले में सोचेंगे तब, ठीक है। तो जिंदगी में कुछ समय अपने आप को देना चाहिए जिससे भी आप प्यार करते हो उसके बारे में सोचने के लिए, सर मेरे को ईडीसी से प्यार है तो ईडीसी को टाइम दूं क्या, यस, रात में जब अकेले में ईडीसी के बारे में सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई यहां पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन है। और क्या है सर, इसके साथ ये भी है
कि हमारे पास यहाँ पे काफी सारे आयोन्स भी है, ये ऐसे, और ये आयोन्स जो है ये पॉजिटिव, इसके न्यूक्लियस भी है, मतलब काफी सारे पॉजिटिव चीजें यहाँ पे बाजू आजू बाजू अवेलेबल है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम करता है ना। एनर्जी क्या है? दिस इज नथिंग बट द वर्क डन बाय एनी चार्ज पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों है? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता, ये एटम के अंदर होता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर इसलिए है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस्ड है किससे? काफी सारे अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं आइसोलेटेड हूं, मेरे पास पास कोई नहीं है। अगर मेरे यहां पे वेट, ठीक है ध्यान से सुनना, मैं यहां पे अपना वेट कराऊंगा तो मेरा वेट मान लीजिए 67 kg आ गया। अब मेरे बाजू में एक और पर्सन खड़ा हुआ है, उसने मुझे उठा के रख लिया है, इसका मतलब है मेरे ऊपर एक फोर्स लगाया हुआ है। कैसा फोर्स? अपवर्ड फोर्स। और अगर उसने मुझे उठा के रखा हुआ है उस समय मैं अपना वेट करूंगा तो क्या वो 67 kg आएगा? नहीं, अब वो 10 किलो कम हो गया मान लीजिए, तो वो 57 kg हो गया। मेरे बाजू में एक और पर्सन खड़ा है, उसका दिमाग खराब हुआ, उसने मुझे ऊपर से ऐसे दबा के रखा हुआ है, मतलब वहां से मुझे एक और फोर्स लगाया है। अब मेरा वेट किया तो मेरे को पता चला कि उस दबाव में मेरा वेट जो है वो अलग हो गया। अब मेरा वेट जो है वो 75 kg आ गया। इसका मतलब है कभी भी कोई पार्टिकल किसी और फोर्स के इन्फ्लुएंस में रहे तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे काफी सारा फोर्स लगा हुआ है। सर कौन कौन सा फोर्स लगा हुआ है? पहले तो इन सभी चार्ज जो यहां पे अवेलेबल है उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है ना। उसके अलावा आपने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी फोर्स अप्लाई होता है, यस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से भी फोर्स अप्लाई होता है। एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, और यहां पे एक फोर्स अप्लाइड है। यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, ये इस साइड, तो ये पॉजिटिव है, यहां पे भी एक फोर्स लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और फोर्स का डायरेक्शन क्या है? ये ऐसा है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे भी काफी सारे फोर्स लगे हुए हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन्स पे काफी सारे फोर्स लगे हुए हैं तो उन फोर्स के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन अपना ओरिजिनल मास कभी नहीं शो कर पाएगा। ये जो भी शो करेगा वो उसका इफेक्टिव मास होगा। तो यहां पे क्योंकि हम एक सॉलिड का एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो मास है ये इलेक्ट्रॉन्स का ओरिजिनल मास नहीं है, ये वाला मास नहीं है। ये कौन सा मास है? ये इसका इफेक्टिव मास है, और इसको हम लोग एम एस्ट्रिक से शो करते हैं या फिर कई बार इसको एम एन एस्ट्रिक से शो करते हैं। तो इफेक्टिव मास इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स। ठीक है, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात और बहुत ज्यादा रिसर्च मत करने मत लग जाएगा, क्योंकि ये जो मास है इस मास की वैल्यू जो है वो इन जनरल दी हुई रहती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मेजर्ड वैल्यू होता है, आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है। सो इफेक्टिव मास इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू presence of so many ions atoms
और इलेक्ट्रॉन्स विथिन ए सॉलिड। ठीक है, तो इफेक्टिव मास इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सो मेनी आयोन्स एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स विद इन ए सॉलिड। ठीक है, तो यहां पे इस फॉर्मूले में जो चीज है वो इफेक्टिव मास है, नॉट ओरिजिनल मास। तो ये जो मास है ये इन जनरल दिया रहेगा, और कभी भी इस मास को जो वैल्यू दी रहती है वो नॉर्मल मास से कंपेयर करके दिया रहता है। सो इस मास का इफेक्टिव मास की जो वैल्यू है ये हमेशा ऑलवेज ऑलवेज गिवन गिवन इन कंपेरिजन, ये कंपेयर करके दिया रहता है, कंपेरिजन विथ नॉर्मल मास विथ आइसोलेटेड आइसोलेटेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतनी जानकारी काफी है, और इसके वैल्यू को मेजर करने के लिए इन जनरल आपको नहीं पूछेगा, वो दिया हुआ रहता है। तो इसके पीछे हाथ धो के मत पड़ जाना, सर मैं गूगल किया इफेक्टिव मास का, वो तो कई सारे पैरामीटर्स उसने बोले, सर मैं उसको पढ़ते गया सुबह शाम हो गया, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आया। तो भाई उसके समझने के लिए ये नहीं बना है, अभी आप उस लायक नहीं हुए। जब E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स ही नहीं पता, तो इसको समझने के लिए ना एक एक लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत है, जो कि आपके एमटेक करने के बाद आपको आएगा, उसके बाद आप इसमें बैठ के पीएचडी करते रहना। सर एमटेक किया, उसके बाद मैं आराम से बैठा और पीएचडी के लिए एनरोल हो गया, इफेक्टिव मास में पीएचडी कर लिया, सर मैं अवार्ड जीत लिया, वहां पे अवार्ड जीत हो गया। अभी जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये सब चीजें का एनालिसिस करने बैठ गए तो। कंटिन्यूअसली फोन कर रहे हैं कुछ लोग, उनको क्या चाहिए सर, यूपीएससी यूपीपीएससी का जो पॉलिटेक्निक का लेक्चरर का पोस्ट आया है ना, और एई का जो आया है उसके बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि उसका आज लास्ट डेट है, इतने दिन फॉर्म कोई नहीं भरा, इतने दिन कोर्स को कोई एनरोल नहीं किया, आज जब लास्ट डेट है तो गन गन बजाए पड़े। तो मोबाइल भी जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन है ना, इसलिए टाइम पे हर चीज कर लेना चाहिए, 19 साल के एज में अच्छे से पढ़ाई कर लेना चाहिए, 25 साल तक एक अच्छा नौकरी कर लेना चाहिए, 28 साल तक शादी कर लेना चाहिए, और उसके बाद शादी नहीं करना चाहिए, 28 साल के बाद भी शादी नहीं करो, ज़्यादा अच्छा है, शादी करने के बाद आप खुद डिसीजन नहीं ले पाओगे किसी भी चीज़ का, कौन डिसीजन लेगा, जिससे शादी करोगे वो डिसीजन लेगा, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, सब कुछ लिख लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में ही करेक्शन नहीं करना है, ये पिंक कलर की दो चीजें ऐड करनी है। छोटी छोटी बातें पूछते हैं यार, आप लोग अभी अभी पैदा हुए हैं क्या? नहीं सर, पैदा हुए तो 19 साल हो गए हैं, लेकिन पढ़े नहीं है कभी किसी चीज को। तो आप पूछ रहे हैं इसी में करेक्शन करें कि नए तरीके से लिखे, अरे ये वही है, ये सॉलिड के अंदर की बातें चल रही है तो इसी में ही लिखोगे ना, ये करेक्शन नहीं है, ये कंसेप्ट है जो कि मैंने एडिशनली ऐड करके चिपकाया है यहां पे। ठीक है, हो गया, यस सर हो गया। तो ये पूरी कहानी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है,
सो एक बार यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं और सोचते हैं इसके बारे में, इसके बारे में देख देख के सोचते हैं। माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाओ डिवाइडेड बाय एम एस्ट्रिक उसके साथ है एन, ठीक है। और ये टाओ क्या है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये टाओ क्या है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो इस टाइम को डिक्रीज करने के लिए, अगर मैं बोलूं कि टाओ की वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो आप बोलोगे सर एक ही तरीका है, उसको बार बार टकराओ, है ना। तो ये टाओ को डिक्रीज करना है तो आपको बार बार टकराना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे समय में कोलिजन टाइम को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोलिजन टाइम को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर टाओ को डिक्रीज करना चाहते हो तो कोलिजन टाइम को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको फ्रीक्वेंट कोलिजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट कोलिजन करना पड़ेगा। अगर मैं फ्रीक्वेंट कोलिजन करता हूं तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ना, यस। अगर ये वाली डिक्रीज हो गई, बाकी सारा पैरामीटर कॉन्स्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, इसमें क्या कहने की बात है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट कोलिजन करेंगे तो आपका टाउ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, या रिपीटेडली कोलिजन करेंगे तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा। अब एक नई भाषा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंट कोलिजन। कब होगा, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे आसपास कोई नहीं है तो मैं कोलाइड नहीं करूंगा। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे आसपास काफी सारे लोग आ जाए तो मैं कोलाइड करने लग जाऊंगा। सर मैं एक बार ना ट्रेन में चढ़ गया सर, मुंबई की लोकल ट्रेन में, सर मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ गया, उसके बाद मैं फ्रीक्वेंट कोलाइड होते रहा, कभी इधर टकराया, कभी उधर टकराया, कभी इधर टकराया। सर एक बार मैं मजेदार लग्जरी बस में चढ़ गया, लग्जरी बस का नाम था गैलेक्सी। सर उसमें मैं चढ़ा तो देखा सब लोग अपनी सीट में कंफर्टेबल बैठे हैं, मेरा सीट नंबर था 32, लास्ट वाला। मैं बढ़िया पाथवे से गया और लास्ट वाले सीट में बैठ गया, किसी से नहीं टकराया सर, मेरा कोलिजन टाइम जो है वो जीरो हो गया। नहीं सर, कोलिजन टाइम जो है वो बढ़ गया, है ना, मतलब बहुत ज्यादा कोलाइड नहीं किया। तो अलग अलग जगह पे कोलिजन टाइम जो है वो अलग अलग होता है। अगर आपके आसपास भीड़ है तो आप रिपीटेडली या फ्रीक्वेंटली कोलाइड करोगे तो उसके कारण क्या है, टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप किसी लग्जरी टाइप के चीज में चढ़ गए तो डेफिनेटली आप कोलाइड नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे सब अपने अपने सीट में आराम से बैठे हुए हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, तो वहां पे कोलिजन जो है वो नहीं होता है। मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसी बात पे आगे बढ़े तो एक बेहतरीन टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी, मोबिलिटी। तो ये मोबिलिटी क्या है सर, इसके बारे में ना सोच सोच के मैं परेशान हूं कि भाई ये मोबिलिटी क्या है। तो इस मोबिलिटी को वाट, यहां पे भी हम लोग वाट और वाई कर दे तो पता चल जाएगा वाट इज मोबिलिटी। तो इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग इसके कंसेप्चुअल वे को समझते हैं। ईज ऑफ मूवमेंट, ये कितने आराम से, ईज ऑफ मूवमेंट, ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, चार्ज पार्टिकल, ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो होल्स हो, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कितने आराम से आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है इन ए सॉलिड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सॉलिड। तो ये कहलाता है क्या, मोबिलिटी। तो ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सॉलिड इज नोन एज मोबिलिटी। इस मोबिलिटी को एक और तरीके से डिफाइन किया गया है, सो इसको हम डेफिनेशन बोलते हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने लगा के रखा हुआ है और आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है या फिर होल्स है किसी सॉलिड के अंदर स्थित है, तो वो कितने आराम से मूव कर पा रहा है। सर ये डिपेंड करेगा कि आपके सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है,
ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि सॉलिड के अंदर कितने एटम्स और आयोन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि उसको अगर आराम से घूमना है तो पहला तो ये कि अंदर जो भी चीजें हैं वो डिसिप्लिन में है, मतलब सभी लोग अपने अपने सीट में बैठे रहे तो बड़े आराम से आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर पाएगा। दूसरा ये कि उसके अंदर भीड़ नहीं होनी चाहिए, अगर भीड़ नहीं होगा तो बड़े आराम से चार्ज पार्टिकल मूव कर पाएगा। तो अगर जो एटम्स है उसका अरेंजमेंट एकदम डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में है, ये कहां पे होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। तो अगर एटम्स का अरेंजमेंट डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में है, इसका मतलब है आपका सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन है। उसके अलावा वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ताकि आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर मूव कर सके। इन दोनों कंडीशन में आपके इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी गजब होगी सर, जैसे कि एक लग्जरी बस में एक इंसान जो चढ़ता है उसकी मोबिलिटी होती है। अगर आपका एटम्स का अरेंजमेंट डिसिप्लिन नहीं है, मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह कोई किधर भी बैठा हुआ है, कोई किधर भी चढ़ा हुआ है, कोई किधर भी खड़ा हुआ है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आराम से मोबाइल नहीं कर पाता है। इसका मतलब है एमरफस सॉलिड में आपका इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने उसमें ठूस ठूस के लोगों को भरा हुआ है, इसका मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो उसकी मोबिलिटी अच्छी नहीं होगी, उसमें ईज ऑफ मूवमेंट अच्छा नहीं होगा। तो इन दोनों को बोलने के बाद आपके चेहरे में और आपकी आंखों में मोबिलिटी के लिए एक विजुअलाइजेशन आया होगा, वही विजुअलाइजेशन मुझे चाहिए आपकी आंखों में। अगर वो विजुअलाइजेशन आपके पास आ गया तो डेफिनेटली आप मोबिलिटी को देख सकते हैं। तो जब भी आपसे मोबिलिटी के बारे में कोई पूछे तो बोलना ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सॉलिड, ये जो है ये मोबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर इसकी डेफिनेशन को हम लोग जाएं तो इसकी डेफिनेशन को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से लिखे यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। तो यहां पे देखिए, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे तो मोबिलिटी आ जाएगा, और मोबिलिटी के लिए जो हमारा नोटेशन है वो है म्यू। क्या है सर? म्यू। ये म्यू, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोल रहे हैं तो ये म्यू एन है, और होल्स के लिए बोल रहे हैं तो ये म्यू पी है, एक ग्रीक लेटर म्यू। तो इस म्यू के लिए हमारे पास है, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस क्यू इंटू टाओ डिवाइडेड बाय एम एस्ट्रिक विथ सबस्क्रिप्ट एन। हां, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द मोबिलिटी, ठीक है। तो अब आपके मोबिलिटी को देखिए, आपका Q तो कांस्टेंट होता है, ये Q की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, और इफेक्टिव मास जो है ये भी वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है। तो इस कंडीशन में आपका मोबिलिटी जो है, क्या बोलना चाहते हैं सर, आपका मोबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ हो जाता है, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। अगर वो बार बार टकराएगा तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, अगर वो कम बार टकराए तो उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ सर, ये तो सही बोल रहा है। तो इन सारे को उठाए यहां से और इसको कट किए और इधर पे ला के इसको कर दिए पेस्ट, तो ये हो गया पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट यहां पे हो गया, कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आया बताएंगे। जय हिंद जय भारत लिख देंगे भाई।
राहुल सागर, फर्स्ट टाइम ईडीसी, अच्छे से समझ में आ रहा है। वंदे मातरम, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम समझ में आ रहा है, पढ़ भी तो फर्स्ट टाइम रहे होगे कि और भी पढ़ चुके हो कई बार। मोबिलिटी मतलब होता है, द मीनिंग इज सिंपल, वेरी सिंपल, कितने आराम से कोई चार्ज का आर्टिकल किसी एक सॉलिड के अंदर मूव कर पा रहा है, दैट इज नथिंग बट द मोबिलिटी। सर मेरी मोबिलिटी क्या है? अरे भाई आप घर में हो, आपके घर में ज्यादा जगह है तो आप आराम से घूम पा रहे हो, आपकी मोबिलिटी अच्छी है, ठीक है। तो यहां पे एक विजुअलाइजेशन देखते हैं मोबिलिटी का। मान लीजिए ये आपके पास एक सॉलिड है और यहां पे कुछ एटम्स है, ऐसे अरेंज्ड है ना, ये एटम्स है या फिर आयोन्स है, ये बढ़िया आराम से एक लग्जरी बस की तरह अरेंज्ड है, और आपने यहां पे लगा दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसा लगा दिया? यहां पे आपने लगा दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो आपने लगा दिया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और ये है वोल्टेज। तो अगर मैं ये सबको आयोन्स बना दूं कि ये सभी जो है वो पॉजिटिव आयोन्स है, तो डेफिनेटली इस पॉजिटिव आयोन्स के होने से आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि अगर आपका एटम पॉजिटिव है तो डेफिनेटली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5, 5 10 15, 15 इलेक्ट्रॉन्स में बना देता हूं। मान लेता है कि हर एक एटम जो है वो अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 और ये 15। अब कोई यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको कहां से कहां जाना है? सर नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को एंट्री ही मरवा देते हैं। सर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से आया, आपको ये पता है कि अगर हम लोगों ने ये वोल्टेज लगा दिया तो डेफिनेटली यहां पे एक करंट फ्लो होगा, और उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? सर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, तो ये आपके करंट का डायरेक्शन होगा ऐसा, ये आपके करंट का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, ये आपके करंट का डायरेक्शन होगा, ये ऐसा, ये ऐसा, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ठीक है अतुल, जहां से आपकी इच्छा है वहां से ज्वाइन कर लेना। तो ये आपके करंट का डायरेक्शन है ऐसा, तो अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट जा रहा होगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री मारा, यहां से गया, ये एंट्री मारा, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर एंट्री मारा तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर जा रहा है। एक बड़ा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं आपके कहे अनुसार, तो मैंने एक बड़े साइज का इलेक्ट्रॉन लेने का सोचा, ठीक है, ये मेरा लार्ज साइज का इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर घूम रहा है तो ये चाहिए कि ये किसी भी आयोन से टकराए ना, तो अगर ये सब डिसिप्लिन ऑर्डर में अरेंज्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन मस्त इस डायरेक्शन में गया और इलेक्ट्रॉन इधर से गया और ये पॉजिटिव के पास आ गया। मान लेते हैं कि आपने इस एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो रेंडमली करके रखा हुआ है, ये एटम यहां पे था, ये एटम इधर आ गया, ये एटम कहीं इधर पे चला गया। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अब एंट्री मारता है, तो ये बड़े आराम से नहीं जा पाएगा, ये इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, ऐसा करके ये पहुंचेगा। इस केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इसकी मोबिलिटी हैम्पर होगी, क्योंकि मोबिलिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, किस टाइम पे? रिलैक्सेशन टाइम पे। अगर रिलैक्सेशन टाइम बड़ा हुआ है तो मोबिलिटी ज्यादा है, और अगर आपका एटम्स का अरेंजमेंट डिसिप्लिन नहीं है, ये अमरफस है, तो डेफिनेटली ये जैसे ही एंट्री मारेगा इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया,
फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर ऐसे गया और ये अल्टीमेटली पॉजिटिव के पास आया। इसका मतलब है मोबिलिटी को हैम्पर करता है रिलैक्सेशन टाइम। अगर एटम्स का अरेंजमेंट डिसिप्लिन्ड ना हो तो उस कंडीशन में आपका मोबिलिटी जो है वो कम आएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो मोबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो मोबिलिटी भी कम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये कि अगर यहां पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं सर? मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा घना बसा आबादी क्षेत्र जो इतिहास और उसमें पढ़ते थे सर, ये काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन भी हो जाएगा। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, ऐसा करके ये पहुंचेगा कहीं बाहर। तो कोई भी केस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से टकराने का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स आयोन से टकराने का हो, जो भी केस है, जब भी आपका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो आपका मोबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को यूज करते हैं क्योंकि उसकी मोबिलिटी अच्छी होती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी जो है वो मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है सर? एन क्यू और ये म्यू एन है। तो आप देखिए कंडक्टिविटी जो है वो मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए हमेशा हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को यूज करते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड को यूज करते हैं क्योंकि उसमें मोबिलिटी जो है वो बेहतरीन होती है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन नहीं, मोबिलिटी भी बेहतरीन होनी चाहिए। तो जो भी हम लोग सिलिकॉन को यूज करते हैं, है ना, जो भी सिलिकॉन को यूज करते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट में या फिर हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में, ये हमारा सिंगल सिंगल क्रिस्टल, पॉली क्रिस्टल नहीं, ये सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन होता है। इसका मतलब है ये पॉली क्रिस्टल भी नहीं होता, एमरफस भी नहीं होता, ये एक क्रिस्टल का सिलिकॉन होता है। इसी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी सबसे अच्छी होती है। यह बहुत उमदा सेमीकंडक्टर होता है, बेस्ट सेमीकंडक्टर। अगर यह एमरफस हो जाए या फिर पॉलीक्रिस्टल हो जाए तो यह बेस्ट सेमीकंडक्टर नहीं कहलाता, क्योंकि यहां पे मोबिलिटी हैम्पर होती है, क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो रैंडम होता है, किसमें? पॉलीक्रिस्टल या फिर एमरफस में। और आपको मैंने पॉलीक्रिस्टल और एमरफस दोनों हमारे लेक्चर में बता चुका है, ठीक है। तो यह सब कहानी मोबिलिटी की हो गई। तो मोबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पे। अब इन सब बातों को जानने के बाद क्यों ना ये वक्त आ गया है सर। वक्त क्या है? वक्त ये है कि क्यों ना हम इसके बारे में भी थोड़ा सा सोच ले कि ये कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला कहां से आया है, क्योंकि इस फॉर्मूले पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस गेट में सॉल्व करने पड़ेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस गेट में इस फॉर्मूले से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम लोग अभी करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी पे बात करते हैं। किस पे बात करेंगे सर? मोबिलिटी तो हो गया, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी पे बात करते हैं, एंड कंडक्टिविटी पे बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दिया, मैंने आपको मोबिलिटी बता दिया, अब ये वक्त हमारा है। ठीक है, डीडीसी इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, ठीक है। मोबिलिटी को कंपेयर भी करेंगे इलेक्ट्रॉन होल्स के लिए, सभी के लिए, लेकिन जिस वक्त पे जो बताना है उस वक्त पे वही बताया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ना निषेध है, अंटिल अनलेस मैं आपको सिग्नल दूं कि आप आगे बढ़ जाओ तब तक आप आगे मत बढ़ना, अदरवाइज जो है वो आगे फंसोगे तो कोई नहीं बचाएगा। कैप्टन को डिसाइड करने दीजिए कि आगे खतरा है कि नहीं है, कैप्टन विल डिसाइड। हु इज द कैप्टन? आई एम द कैप्टन। आज चैप्टर वन कंप्लीट हो जाएगा सर, पागल नहीं होगा?
चैप्टर वन जो है वो सबसे बड़ा है, ईडीसी का सबसे बड़ा चैप्टर चैप्टर वन है, और चैप्टर वन में जो दुनिया बसा हुआ है वो किसी चैप्टर में नहीं है। आप सेकेंड यूनिट पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा कि भाई सेकेंड यूनिट जो है वो चैप्टर वन पे डिपेंड है, आपको दिख भी जाएगा। सर सेकेंड यूनिट पढ़ रहा था आपसे तो पता चला कि सर सेकेंड यूनिट पूरा चैप्टर वन पे डिपेंडेंट है। सर थर्ड यूनिट पढ़ रहा था आपसे पता चला कि थर्ड यूनिट चैप्टर वन चैप्टर टू पे डिपेंड है। सर फोर्थ यूनिट आपसे पढ़ रहा था पता चला कि वो चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री पे डिपेंड है। सर फिफ्थ यूनिट पढ़ रहा था तो पता चला कि वो चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर फोर पे डिपेंड है। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर का यूज हुआ? सबसे ज्यादा चैप्टर वन का यूज हुआ, क्योंकि हर एक चैप्टर में चैप्टर वन का यूज है, तो चैप्टर वन जो है वो सबसे बड़ा है। और इतने बड़े चैप्टर को इतना जल्दी कवर नहीं किया जा सकता, फिर भी हम चांस मार रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कितना जल्दी चैप्टर वन खत्म हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं, मैं कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूं, नथिंग इज स्किपिंग हेयर। बस आप जो है मजे लेते रहिए, हर एक चैप्टर में विजुलाइज्ड करते रहिए, बातों को समझते रहिए। जहां नहीं समझ पे आता है वहां पे एक अच्छा सा कमेंट क्वेश्चन के रूप में कीजिए, लेकिन वो एक मैच्योर क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ना क्या होता है, ये नहीं कि सर चार्ज क्या होता है वो बताओ, सर करंट क्या होता है वो बताओ, ये सब जो है ये आपके इमैच्योर क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत पहले ही पढ़ लेने चाहिए थे। ठीक है, तो एनएफटीई वाले स्टूडेंट्स जो है वो नहीं कर पाएंगे, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाले नहीं हो पाएंगे यहां पे फिट। ठीक है, आगे बढ़े, आप अगर ग्रीन सिग्नल दोगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़े, सभी लोग रेडी हैं? ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी, ये दोनों के बारे में जानते हैं एक पर एक के बाद एक। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले वाट के बारे में जानते हैं कि अगर हम लोग करंट डेंसिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या होता है, दिस इज करंट और उसके साथ है हमारे पास डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? दिस इज करंट पर यूनिट एरिया, ये क्या होता है, दिस इज करंट डेंसिटी। और अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इसको मैंने पहले ही डिफाइन करवा दिया है। व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज नथिंग बट
द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट अलाउज द करेंट टू फ्लो थ्रू इट। तो ये आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल बाय विच इट अलाउज द करेंट टू पास थ्रू इट, बाय विच इट अलाउज द करेंट टू पास थ्रू इट, है ना। कोई मटेरियल कितनी आसानी से किसी करंट को अपने थ्रू पास होने दे रहा है, दैट इज नथिंग बट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है या फिर एक कंडक्टर है, तो मैंने क्या बोला, मैंने सेमीकंडक्टर नहीं जुगाड़ा, मैंने जुगाड़ा एक कंडक्टर। ये मान लीजिए एक कंडक्टर है और इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है और आयोन्स भी होंगे, एटम्स भी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा हूं। तो इसमें मैंने एक पोटेंशियल लगा दिया एक्सटर्नली, क्या लगा दिया सर, एक्सटर्नली एक पोटेंशियल लगा दिया, और ये पोटेंशियल इस तरफ मान लीजिए पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, और मैंने ऐसा करके एक पोटेंशियल लगा दिया। तो ये पोटेंशियल के प्रेजेंस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ये किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे, यस सर डेफिनेटली जाएंगे। तो यहां पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ये नेगेटिव लगा दिया। कोई एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पे बसा हुआ है, कोई एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पे बसा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करना चालू किया, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव किया, ऐसा गया। तो हम डायरेक्टली क्या शो करते हैं, इसके अंदर के जो चार्ज कैरियर से ये ऐसा जाना चालू कर दिए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट चालू कर दिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो ड्रिफ्ट होंगे किसी एक ही डायरेक्शन में। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से ड्रिफ्ट होना चालू कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट, क्यों, क्योंकि आपका फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कैसा लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं ऐसा कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो एल है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ जो है वो एल है, ठीक है, ये मेरे पास एल है। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, वो एरिया किसी सेमीकंडक्टर का वो एरिया जो करंट की डायरेक्शन से बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। जैसे ये जो है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्योंकि करंट के डायरेक्शन से ये परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा उसी एरिया को लिया जाता है जो करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो ये लेंथ जो है वो यहां से यहां तक एल है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए यहां पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आपका चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव करता है उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हर चीज यहां पे परफेक्ट है। बस एक चीज मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन को इस लेंथ को कवर करने के लिए मान लीजिए टाइम टी लग रहा है, तो टी इज द एवरेज टाइम, ये आपका एवरेज टाइम है, टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू कवर द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस सर, टू कवर द डिस्टेंस एल, इस एल लेंथ को कवर करने के लिए इसको टी टाइम लग रहा है। तो यहां पे सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया। अब भाई साहब यहां पे हम बात करते हैं कि करंट क्या है। करंट जो है यहां पे एन क्यू,
डिवाइडेड बाय टी होगा करंट, क्योंकि करंट का फॉर्मूला हमको पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्यू क्यू डिवाइडेड बाय टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज ये क्या होता है, ये भाई साहब करंट होता है। क्या होता है भाई साहब? करंट होता है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट द करंट। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। तो जे क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा एन क्यू डिवाइडेड बाय टी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये टी क्या है? टी इज नथिंग बट द टाइम। टी जो है वो टाइम है। तो टाइम को हम लोग स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले फॉर्मूले से जोड़ सकते हैं। यस, टाइम क्या हो जाएगा? जितना लेंथ आपको कवर करना है, जिस वेलोसिटी से आप कवर करेंगे, दैट इज नथिंग बट द टाइम। लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट द टाइम। अगर ऐसा है तो आप जे को ना एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये आपका सीन्स है, तो ये जे कैसे लिखा जाएगा? दिस इज एन क्यू और ये टाइम हो गया आपके पास एल इंटू ए, और ये क्या है? ये एल इंटू ए और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो आपका करंट डेंसिटी क्या हो गया? जे इज इक्वल टू एन क्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एल इंटू ए, है ना? ये आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, सभी को पता है? यस सर, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर हम लोग यहां पे जे के बारे में लिखें कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमको क्या मिल गया, जे इज इक्वल टू मिल गया एन इंटू क्यू, उसके साथ है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप में से किन किन भारतीयों को पता है कि अगर अपन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या शो कर देता है? ये वॉल्यूम शो कर देता है किसी भी सॉलिड का, क्योंकि वॉल्यूम के लिए तीन डायमेंशन होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये एरिया क्या है? एरिया है आपका विड्थ इंटू हाइट। अगर उसमें आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस वॉल्यूम को ध्यान से देखें तो हमारे पास जे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जे इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एल इंटू ए और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अब ये जो आपके पास आया है सीन्स, हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये हमको आया है, ये क्या आया है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी थे और उसको आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया? ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से लिखते हैं, या फिर आप इसको कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से लिखते हैं। सर ये भी हमको पता है, बचपन का प्यार है ये तो। और अगर हम लोग जे के बारे में लिखे तो जे हो गया हमारे पास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग स्मॉल एन से शो करते हैं और इसका यूनिट होता है पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं जे इंटू वी डी। और हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर? कि हमारे पास मोबिलिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो जे क्या हो जाएगा सर? जे ऐसा हो जाएगा, जे इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एन ए क्यू उसके साथ म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला हो जाएगा एन क्यू म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया सर? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली द करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। दिस इज एक्चुअली द करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, आप सभी भारतीयों को करेक्ट कनेक्ट हो पाया क्या? प्रीवियस स्लाइड मैंने दिखा दिया। कोई शक नहीं है,
कोई डाउट इन सब में? आयान समंता, यस आई कैन सी योर कमेंट। अमन श्रीवास्तव, आयान समंता, कौशल सप्रा, सर प्लीज स्लो द प्रीवियस स्लाइड। आप सभी की बातें सर आंखों पर, और आप सभी को मैं स्लाइड भी दिखाता रहूंगा, बताता भी रहूंगा, मोटिवेट भी करता रहूंगा और आपकी जिंदगी बनाता रहूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। कितने प्रतिशत भारतीयों को ये सब बातें समझ में आ गया? अगर सभी भारतीयों को ये बात समझ में आ गई है तो हमारे पास यहां पे सब कुछ क्लियर है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यू इज द चार्ज, म्यू इज द मोबिलिटी एंड ई इज द ड्रिफ्ट, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास एक ओम्स लॉ है ना, एक ओम्स का लॉ है, और ये ओम्स लॉ कई लोग V इज इक्वल टू आई आर के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे पास एक और ओम्स लॉ भी है। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएक्स नहीं जानते तो ये भी नहीं जानते होंगे। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई भी एक ओम्स लॉ है। यहां पे सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है। ये क्या है? ये कंडक्टिविटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये भी ओम्स लॉ है और ये भी ओम्स लॉ है। तो मैं आपको प्रूफ करता हूं कि ये दोनों ओम्स लॉ कैसे हैं। अगर आपको ये पता है V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ है, तो V इज इक्वल टू आई इन टू आर को, है ना, रेसिस्टेंस के बारे में तो ये जानते हैं ना सभी लोग कि सर ये रेसिस्टिविटी इन टू लेंथ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो मैंने यहां पे वही लिखने का सोचा, रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। लिख सकता हूं ना? यस सर, लिख सकते हो। अब ध्यान से देखिए, यहां पे जब मैंने इसको ऐसा लिखा तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि V डिवाइडेड बाय L में कर दूं और इसको मैं I डिवाइडेड बाय A कर दूं, ठीक है, और ये जो रेसिस्टिविटी है इसको 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी कर दूं तो भी चलेगा? यस चलेगा। V डिवाइडेड बाय L, दिस इज द वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, या फिर दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो हमारे पास ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। I डिवाइडेड बाय A जो है वो J होता है, और रेसिस्टिविटी को 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी मैंने लिखा है, मतलब ये ऐसा है। तो J इज इक्वल टू क्या हो गया? ये सिग्मा E हो गया। इसका मतलब है ये ओम्स लॉ है। तो मैंने आपको प्रूफ करवा दिया फटाफट से। अगर ये ओम्स लॉ है तो हमारा जो इक्वेशन आया वो भी तो यही है, जे इज इक्वल टू यहां पे एन क्यू म्यू इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। तो ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ओम्स लॉ का, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, अगर ये दोनों कंपेयर करें तो आपको ये मिलेगा सिग्मा की वैल्यू ये हो जाएगी एन क्यू म्यू एन। इसका मतलब है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज इंटू मोबिलिटी। तो आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कि आपका कोई मटेरियल कितना करंट को कंडक्ट कर सकता है, ये डिपेंड करता है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन पे, है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और किस पे डिपेंड करता है? क्यू, जो कि चार्ज है 1.6 इनटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। और म्यू क्या है? सर ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है? तो कई बार काफी सारे एग्जाम में मोबिलिटी का यूनिट भी पूछ लेता है। तो मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है? तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू, ये आपके पास है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? सर ये होता है डिस्टेंस पर सेकेंड।
मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, ये वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है, तो इसका यूनिट होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगा सर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, तो ये आपका यूनिट हो जाएगा मोबिलिटी का। ठीक है, तो ये सब शिक्षा दीक्षा है, नॉर्मल तरीके से आप इसको लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको कई बार यूज करने पड़ेगी अपने ईडीसी के कोर्स के दौरान। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इन सब बातों को प्रॉपर तरीके से जानना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये कहानी है, 2 सेकंड नहीं लगता, लेकिन हो सकता है आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। कोई ऐसा चीज जो लिखना छूट गया हो, यहां से मैंने चालू किया था, स्लाइड नंबर क्या है 11, आपने इसको लिख लिया होगा। उसके बाद यहां पे मैंने कुछ शिक्षा और दीक्षा आपको दी, ये भी आपने लिख लिया होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं। उसके बाद यहां पे मैंने कुछ फॉर्मूला को कनेक्ट करवाया, ये भी आपने लिख लिया होगा। स्लाइड नंबर है 13, आप बताएंगे कौन सा स्लाइड नहीं लिख पाया है। यह स्लाइड नंबर है 14, और अल्टीमेटली यहां पे है स्लाइड नंबर 15। तो अमन श्रीवास्तव ने पूरा नोट डाउन कर लिया है, अमन यू आर ग्रेट, बाकी लोग भी अपनी हाले दिल बता देंगे।